बोले भाई जल्दी गए। अरे आ रहे हैं। हां अरे बाबा काय संदीप संदीप बाबा चलो एक चलो पता है कौन सा गाना है पहले गणपति का इतना पता है। गणपति बापा मोरी है बाबा यहाँ पे बाबा गणपति को घर पे है ना। ओके डेढ़ दिन का ना चलो दर्शन गया है सगे जा रहे हैं फोटोग्राफर अपने एक कौन है बाबा मोटा हमारा बाबा और एक बार थोड़ा यहाँ पे बाबा यहाँ पे क्या बात है वो माइक कवर बराबर है बस सर यहाँ पे बाबा इससे बाबा थोड़ा राइट में भैया आरती के बारे में जानना चाहेंगे क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं और भूमि भी किससे कनेक्टेड है एसोसिएट है या सिटी से भूमि भी इससे जुड़ा हुआ है आपको जुड़ी हुई है या सिटी से 100% भूमि जुड़ी हुई है मतलब अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर की शुरुआत ही जय गणेश से है और जय गणेश एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है और हम लोगों ने यही प्लान किया था भूषण जी मैंने उमंग सर ने कि एक गाना ऐसा बनाया जाए जहाँ मतलब ये बहुत अहम हिस्सा हो। तो सर पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कुछ
मैं अभी गाना सीख रहा हूँ, कैसे गाने गए वो ही एक पर्सनल ट्रेनिंग में कर रहा हूँ। क्या ब्रीफ दिया गया आपको, आप थे और आप रिकॉर्ड भी करने वाले हैं, क्या किन बातों का ध्यान रखेंगे? जी लेकिन इसको बहुत प्यार से गाना पड़ेगा, मैं कोई गायक नहीं हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ अभी, लेकिन कोशिश करूँगा। पापा के साथ किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं? पहले भी सॉन्ग आया था आपकी, वो भी बहुत हिट था जी, अभी आप पापा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। वास्तव में मैंने गाना नहीं गाया था, लेकिन इस वक्त एक बहुत अच्छा मौका मिला है, बड़ा मौका मिला है कि मैं पापा के लिए गाना गाऊँ। और पापा हमारे घर में भी आते हैं, भूषण जी के यहाँ पे भी आते हैं, हम लोग सब पापा को बहुत बहुत मानते हैं, तो एक मैं एक लकी हूँ कि मैं मुझे एक ऐसा गाना मिला। सी हर काम की शुरुआत गणेश जी के आरती से ही शुरू होती है, तो और हमारा ट्रेलर भी अगर आपने देखा हो भूमि का, वो गणपति आरती से ही शुरू हो रहा है। तो ये एक आइडिया अपना संजू सर के से दिमाग में आया कि इसकी हम पूरी आरती करके भूमि से अटैच करके उसको लॉन्च करते हैं और गणपति वाले दिन ही इसको लॉन्च करेंगे। तो बहुत ही अच्छा आइडिया था, और वो अभी जो मैंने ट्रैक भी अभी मैंने अभी सुना, बहुत ही ब्रिलियंट हुआ है, और वो आप बहुत अच्छी तरह गा पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दिल से और मन से गाना होता है, और मन से गाए मतलब आप भी गाते हैं, हम सब लोग गणेश आरती अपने घर पे गाते हैं, तो इट्स मन से गाएं तो आप तो इसलिए नर्वस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सर हर साल पापा आते हैं जी, इस किस तरह की तैयारियाँ हैं इस साल? बहुत मतलब शुरुआत ही हम इस एक गणेश आरती से कर रहे हैं जो संजू सर गा रहे हैं, और हम उसी दिन इस गाने को लॉन्च करेंगे, आप सबको बुला के हम, और बहुत अच्छे आरती करके गणेश जी की सर शुरू करेंगे आरती, और करके हम उसको गाने को लॉन्च करेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। ओके सर, इस गाने के बाद और कोई सिंगल सर के साथ कोई सॉन्ग्स करने वाले हैं? बहुत चीज़ें करने वाले हैं, हम दोनों एक फैमिली हैं, लेकिन ये एक भूमि से रिलेटेड एक इमोशनल चीज़ है, जो बहुत जैसी मुझे बोला, मैंने बोला इसको हम अच्छी तरह करते हैं, मतलब जस्ट करके हमने डाल दिया, नहीं कि बहुत अच्छी तरह करके, और सबको सबकी ब्लेसिंग लेके इस चीज़ को हम शुरू। ओके उमंग जी, हमेशा जहन में था कि संजय दत्त इस गाने को गाबाई गाने को गाएंगे, और क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि वी वांट टू सिंग दिस? बेसिकली ये एक छोटा सा सीन है फिल्म में जहाँ वो आरती करते हैं, जैसे आपने ट्रेलर में देखा है, और वो इतना अच्छा बैठ गया है पूरी पिक्चर में कि शुरुआत भी वो ट्रेलर उसी से हुई थी, पिक्चर की शुरुआत भी वैसे होती है। तो ये आइडिया जब आया तो हमने सबने हाँ बोल दिया इमीडिएटली, बिकॉज इनकी आवाज़ जो है ना वो गूंजती है कानों में, और ओबियसली सिंग गाने के लिए नहीं, जस्ट वो जो टोन में ही भी बोल देंगे ना, दिल से जैसे बोलेंगे, तो ऑब्वियसली सब लोग यही सुनेंगे, और ये आरती बहुत सालों तक बचेगी वो हमें यकीन है, बिकॉज इट्स नॉट द सिंगिंग, इट्स द वे ही विल जस्ट से इट, बस वही गूंजने वाली है सर, एंड दिस इज गोना बी अ बिग हिट फॉर टी सीरीज, फॉर भूमि एंड फॉर द जी फॉर इयर्स टू कम। कॉम्प्लीमेंटेड, थैंक उमंग, और बिल्कुल सही उमंग ने कहा है कि अगर बंदा कोई भी चीज़ दिल से करे तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं दिल से कोशिश करूँगा, और पापा का आशीर्वाद मेरे सर पे है, मैं उनके लिए आज गाना गाऊँगा, और बहुत आई होप इट्स अ बिग हिट। I'm not nervous because we work very hard for the film and we all have put our blood, sweat and tears, so uska to koi phal to milega. So sir, is saal matlab sare Ganesh friend dalo ki aap saam rahenge aapki awaaz se. Ji, to dekhiye abhi kya hota hai. Thank you. Thank you sir. Is music ki baat kare to kitne gaane aayenge aur kis tarah se promote hoga is gaane ke baad? नहीं नहीं, अभी का एक गाना तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, और हमारे 6-7 गाने हैं, एक माता का भी गाना है जो संजू सर ने गाया, बहुत ही बेहतरीन गाया, तो काफ़ी चीज़ें अटैच हैं, अभी जैसे जैसे गाने आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सर। ना फोन ना उठाया, 4 बजे तक लगे मैट।